कुछ के नहीं होंगी हजे टीका हजे इलाज ए तक हजे नहीं सिर्फ जोड़ा है कि ए टीके जोड़े लोग नहीं लवा रहे टीके हूँ वैसे तो इस वे लभ नहीं भी नहीं रहे लोग हम चाहते भी पहला लोगों ने नहीं लवाए तो जिस वे योजे हालात बनते हैं किसी अग लग जाती है कोई बीमारी आ जाती है कुछ भी है चाहिए तो क्योंकि साढ़े मुल्क ने दुनिया के सारे मुल्क ने लोगों तबाह करने वाला एटम बंब हाइड्रोजन बंब बहुत कुछ भी इतों तक अभी साँच आ पर जिथे बचाने की गल आई उथे सारे वड्डे मुल्कां दे भी हथ खड़े हुए आप देख लिया अमेरिका के दूसरे मुल्कां की हाल होया क्योंकि किसी नूं इहदा पता ही नहीं सी पर अपना तो मुल्क भी गरीब आ ते आबादी भी बहुत ज्यादा उहदे हिसाब नाल ते तकरीबन जिहड़े 10 यूरोप के मुल्क नवे जिहड़े हैगे आ पैदा हो जाते इत्थे तो उहदे हिसाब नाल सुख सहूलतां भी वधणियां चाहीदियां उहदे नाल सारा कुछ वो उस तरीके नाल हो नहीं रहा जिदे विच जिहड़ा हैगा लोगों नूं दिक्कतां भी आ रही बहुत लोग जिहड़े हैगे इन्हां हालातां दे नाल किस तरह गुजर रहे तुहानूं सारे नूं पता पर जेकर असीं सारे इकट्ठे होकर लगीए अपना भी फर्ज समझिए कि साडा भी कोई फर्ज बनता असीं जिथे खड़े आ असीं घट्टो घट्ट आपदे नेड़े तेड़े असीं इहदी सहायता कर सकते हां इस तरह साडे अंदर जिहड़ी गुरुआं ने भावना भरी है क्योंकि 8वें पातशाह आप उन्हां मरीजां तिकर दिल्ली चल के गए सी सो साडा फर्ज बनता कि जे कोई किते लोड़ आ ते सानू अगे आना चाहिए सरकारां दी ड्यूटी बनती है करना चाहिए पर जो कुछ भी आप देख रहे रोज अखबारों च पढ़ते हैं क्योंकि जो कुछ होना चाहिए वह नहीं होया पर फिर भी सानू आस रखनी चाहिए है कट्ठे होके जो है इस बीमारी के एकजुट होकर लड़ना चाहिए उसे ही जो ब्लैक फंगस येलो फंगस व्हाइट फंगस का भी अटैक जो उसके लिए भी जो प्रशासन वालों पुख्ता इंतजाम ने सरकार ने करने हूं ब्लैक फंगस का किसी आम डाक्टर का इलाज नहीं क्योंकि नवी बीमारी जी है आ रही है बड़ा भयानक बीमारी है जिसे फोटो देखो तो बंदे का डरावना जोड़ा है चेहरा उस बीमारी का सो जे सरकार इतने असी आखिरी उम्मीद वेलफेयर जी NGO बनी हुई है उन्होंने वालों इतने 11 रुपए के एंबूलेंस सेवा चालू की गई है पहला भी NGO वालों जोड़े है क्रिमेशन के कोविड के बड़ा चंगी कारगुजारी की गई है तो इन इतने होर भी सेवा चलती है खाना जोड़ा है 11 रुपए के कपड़े वगैरह होर भी सेवावान अज सो ये सारे उम्मीदवार जोड़े है NGO के मैंबर मुबारकबाद के पात्र ने तो मैं चाहवागा भी इदा ही ये वधिया काम आगे भी करते रहने इन्हों मेरे वालों बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत चीजा आप वधिया कर लिया उत्थे सेहत सहूलतां ते सिक्ख्या दे उपर काम होना बहुत वड्डे पद्धर ते जिहड़ा इस दौर दे विच जरूरी सीगा हुण आउण वाले समें दे विच किस तरह देखदे हो कि लोकां नूं सिखणा चाहीदा इस क्योंकि जिहड़ियां दो गल्लां बुनियादी है एजुकेशन ते सेहत सहूलत इन्हां दोनों दे विच ही असीं पिछे रहे हां हुण असीं देखो दुनिया भर के सारे मुल्कों ने वड्डे वड्डे जिहड़े दुनिया नूं धमकाउण वाले वर्ल्ड नूं जदों कोरोना काल आया जिहड़े कहिंदे सी दुनिया नूं तबाह कर दांगे साडे कोल बंब आ साडे कोल कुछ आ पर जदों बचाउण वाली गल होई उदों सारे दे हथ खड़े हो गए ते जिहड़े लोग कुदरत नूं वी माहौल करदे सी टीचरां करदे सी रब की चीज़ आ कुदरत की चीज़ आ सर अज तुहाडे वल्लों वड्डा उपराला कीता गया किस तरह काम करेगी जिहड़ी तुसीं जिहड़ी इहदी शुरुआत कीती एंबूलेंस दी किस तरह काम करेगी किस तरह लोकां तक पहुंचेगी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मैं सब तो पहला मीडिया का और संत बलवीर सिंह जी सचिवाल जिहड़े मेरे मानजोग साडे इत्थे पहुंचे ने CC साहब जो उन्हें होके गए ने असी आखिरी उम्मीद संस्था वालों उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां कि जो कि एंबूलेंस दी अज लॉन्च कीती गई है कि 11 रुपये दे विच मैं दसना चाहवागा कि आखिरी उम्मीद संस्था वालों पिछले साल तो लैके हूँ तक कोरोना नाल जिहड़ियां मौतां हो जांदियां ने उन्हां दे संस्कार की सेवा जिथे कि उन्हां दा कोई रैलेटिव रिश्तेदार यार दोस्त भैण भरा नहीं खड़ा हुंदा उन्हां दे संस्कार की सेवा इस संस्था वालों सारे वॉलंटियर सारे भरावां वालों मिल के की जाती है और हुण तक गल की जाए 550 तो वध असीं कमीशन की सेवा वो अकाल पुरख वाहिगुरू साडे कोलों लै चुके
ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਟ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, 80,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, 60,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭੇਟਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 3,500 ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ 11 ਰੁਪਈਏ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਰੂਤੀ ਈਕੋ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ 1-10 ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ।